हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज दिखाऊंगा कि जो NIS DLED का जो एग्जाम सप्लीमेंटरी एग्जाम का जो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो रहा है, तो कैसे कंप्लीट करना है उसके बारे में आज डिस्कशन करेंगे। सो फ्रेंड्स, पहले आपको जाना है dlet.nis.ac.in पर आपको जाना है। उसके बाद तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसके बाद आपको वहां पर क्लिक करने के बाद आपको जस्ट फर्स्ट ऑनलाइन सबमिशन फॉर एग्जामिनेशन फीस फॉर लास्ट DLED सप्लीमेंटरी एग्जाम वहां पर क्लिक करना है। क्लिक करके यहां पर जो इनरोलमेंट नंबर आपको अपना जो इनरोलमेंट नंबर है उसको आपको पुट करना है। पुट करके वहाँ पर सबमिट करना है। पुट करके वहाँ पर जस्ट आपको जो अपना जो डॉक्यूमेंट्स है तो वहाँ पर देख सकते हो कि आपका नाम क्या है, आपका फादर का नाम क्या है, और आपका जो कौन कौन सब्जेक्ट है, आप वहाँ पर किन किन सब्जेक्ट पर आपको सप्ली मिला है, तो वो सिलेक्ट करके उसके बाद आपको एक चेकबॉक्स क्लिक करके वहाँ पर आप ऑनलाइन में जाके अपना ऑनलाइन बैंकिंग के माध्यम से आप घर बैठे अपने मोबाइल के जरिए आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ क्या करना है, यहाँ पर जो इनरोलमेंट नंबर है यहाँ पर पुट करके वहाँ सबमिट करना है। करने के बाद आपको जो डिटेल्स है वो आ जाएंगे। उसके बाद आप वहाँ पर पेमेंट का जो लिंक है वहाँ पर क्लिक करके अपना जो पेमेंट है वो कम्प्लीट कर सकते हो। सिर्फ आपको अपना जो डॉक्यूमेंट्स है, आपका जो नाम है, आपको जो कौन कौन सब्जेक्ट आपको नहीं दिए थे व आपको सप्ली मिला था, तो उसको आप क्लिक करके आप वहाँ पर जो पेमेंट का ऑप्शन होगा, दो ऑप्शन है वहाँ पर एक क्लिक करके आप वहाँ पर अपना जो बैंक है वहाँ पर लॉगिन करके आप यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। आपको हर सब्जेक्ट में आपको 250 रुपीज़ पे करना पड़ रहा है, तो आपका जो जितने भी सब्जेक्ट होगा तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप हिसाब कर सकते हो कि आपको टू सब्जेक्ट में आपको रजिस्ट्रेशन कम्प्लीट करना है तो आपको हर सब्जेक्ट में 250 करके आपको 500 रुपीज़ आपको पेमेंट करना है। आपको 3 सब्जेक्ट होगा तो 750 पेमेंट करना है, और आपको 4 सब्जेक्ट के लिए 1000 रुपीज़ पे करना होगा। दोस्तों, ये फॉर्म फिलअप आपको दे सकते हैं यहाँ पर। द लास्ट सप्लीमेंटरी DLED एग्जाम फीस विल बी सबमिटेड टिल 31 अक्टूबर 2019, मतलब इसी महीने में अक्टूबर महीने में 31 अक्टूबर तक आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन में दिया हुआ है कि टीचर्स हु हैव नॉट क्लियर एनी थ्योरी पेपर 501 to 50510 एंड हैव पेड सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन फीस, मतलब आपको सेकेंड ईयर जो एग्जामिनेशन फीस था 6000 का, वो आपको जो आप पेड किए होंगे तभी आपको उसका जो पेमेंट लिंक आपका ओपन होगा, नहीं तो नहीं ओपन होगा। इसी वजह से यहाँ पर लिखा है कि हैव पेड सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन फीस ₹6000 में सबमिट द एग्जामिनेशन फीस टिल 31 अक्टूबर 2019। सेकेंड ईयर का जो फीस था 6000 का वो आप दिए होंगे तभी आपका जो ओपन आपका जो लिंक ओपन होगा आपका एनरोलमेंट नंबर पुट करने के बाद, नहीं तो आप यहाँ पर अपना जो एनरोलमेंट नंबर पुट करने का आपका जो पेमेंट लिंक का ऑप्शन नहीं ओपन होगा। दोस्तों, यहाँ पर बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हो क्या क्या लिखा हुआ है, लेकिन जो बेसिक है कि आपको सिर्फ एनरोलमेंट नंबर पुट करना है, उसके बाद आपका जो इंफॉर्मेशन होगा, आपका जो नेम होगा, आपको कौन कौन सब्जेक्ट में आपका रजिस्ट्रेशन करना है उसका ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आपको एक चेकबॉक्स क्लिक करना है। उसके बाद आपका जो पेमेंट गेटवे का ऑप्शन आ जाएगा, दो ऑप्शन आएगा, तो उसका फिर कोई भी आप सेलेक्ट करके आप अपना ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए या कोई डेबिट कार्ड के जरिए आप यहाँ पर पेमेंट अपना कंप्लीट कर सकते हो।
और दोस्तों कोई भी क्वेश्चन होगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई भी और इसके जो अगले जो इन्फॉर्मेशन आएंगे इसके बारे में बहुत सारे वीडियो बनाना मैं बनाऊंगा। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।